क्या टाइम पास किया मैंने बेड में संडे को, भूख लगी हुई है फिर भी उठ नहीं रही थी। और इट्स 11 o'clock, उठ के मैंने ब्रश तो कर लिया लेकिन उसके आगे का क्या करूँ। एंड समवन इज़ अगेन स्लीपिंग, आई डोंट नो व्हेन ही इज़ गोइंग टू गेट अप एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू हैव। कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, सच में बोलो तो कुछ मन नहीं कर रहा बनाने का। कभी कभी दिमाग चलाने को मन नहीं करता है मेरा। जब कुछ ना समझ आए तो खाओ मूरी, मूरी दूध बनाना, दैट्स इट माय संडे ब्रेकफास्ट। सो ये गो टू मील है व्हेनेवर यू डोंट फील लाइक हैविंग लाइक प्रिपेयरिंग कुछ भी, तो ये एक प्रॉपर मील होता है जिसमें आपको बस मूरी या चूड़ा की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, बनाना की ज़रूरत है, अगर चाहिए तो एड ऑन्स बोलते हैं ना, अपने हिसाब से आप डालते जाओ और ये आपका गो टू मील रेडी है फॉर टाइम लाइक दिस मे बी। भाई मैंने तो अपना खाना खा लिया, लोग लगता है पूरा एक कंप्लीट ब्रेड खाने वाले हैं जो कि ऐसे खोल के, जस्ट बिकॉज कि वो पैकेट को साबुन से धोना नहीं था तो ब्रेड ऐसा निकाला गया है। अब इसको कहाँ स्टोर होगा वो मुझे नहीं पता, लग रहा है कुछ ब्रेड ऑमलेट टाइप का कुछ बन रहा है। हाँ बहुत बड़ा प्रिपरेशन लग रहा है ब्रेड ऑमलेट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रिपरेशन है, समझ गए ना आप लोग, ब्रेड ऑमलेट बनेगा। मैं अपना काम कर रही हूँ, पान मोरी को मुझे धो के सुखाना है। बुरा लग रहा है, आज ही कोई देखने आ रहा है घर को, ऐसा लग रहा है कि काश हमारे जाने के बाद ये सारे प्रोसेस होते तो अजीब नहीं लगता, सच बोलूँ बुरा तो लगता है यार, मेरे को तो बहुत लग रहा है, अश्विनी को भी लग रहा है बट ही इज़ नॉट सेइंग। जैसे फ़ोन आया थोड़ा सा चेहरा बन गया। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ क्या है ना। मेरे हिसाब से लाइफ है आप एवरीडे जी रहे हो अपनी तरीके से, आपको जो पसंद है वो छोटे छोटे एनहांसमेंट कर रहे हो एवरीडे लेवल पे, एवरी मंथ लेवल पे, जब जैसा जिसका होता है ना। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है, थोड़े थोड़े छोटी छोटी एनहांसमेंट, ये बेटर किया मतलब कल से बेटर किया आज, है ना, तो वही लाइफ होती है मेरे हिसाब से। कुछ लोगों का होता है एंड दैट वॉज माई मोटिव बिहाइंड कि भाई मतलब रेगुलर जॉब छोड़ना, बहुत लोग नहीं कर पाते ये चीज़, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली रेगुलर जॉब छोड़ के आप अपना काम करके अपने पैशन को मतलब चलते हुए उस पैशन को भी मूव करते जाना है, साथ में आपको अपना काम भी करना है। वो इजी होता है एक सैलरीड पर्सन के लिए व्हेन दे आर अर्निंग, है ना। तो लाइफ क्या है, लाइफ है आप एवरीडे आपके हिसाब से आप जी पा रहे हो, आपका सराउंडिंग साफ है, आपका सराउंडिंग अच्छे से रखा हुआ है, आप उसको खुद थोड़ा थोड़ा जब जब आपको टाइम मिल रहा है उसको आप मेंटेन कर रहे हो, इसी से लाइफ एवरीडे लेवल पे अच्छी होती है। जब आप एनहांसमेंट करना बंद कर दोगे तो वही बोलता है ना, एक स्टैगनेंट सा फील आ जाता है, तब लगता है आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे। तो इसीलिए जब आपके पास पैसा होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एनहांसमेंट आप रातों रात एक ही दिन में कर डालो, नहीं, आप अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, रखिए ना आपके पास पैसा, कौन लेके जा रहा है, आप किसको दिखाना है कि नहीं, दिखाना किसी को नहीं है। आप वो छोटे छोटे एनहांसमेंट, आप छोटे छोटे जो शौक पूरा करेंगे, आप छोटे छोटे जो मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं जिसको जैसा मन है, तो उसी से ही आपकी कंप्लीट लाइफ एक प्रॉपर ये पे चलती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ऐसा लाइफ जीती हूँ और मुझे ऐसा लाइफ में ऐसे ही जीना पसंद है। अब हम जैसे कोलकाता जा रहे हैं तो मैं वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें करूँगी, वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन एरिया है, बहुत ही बड़ा एक्चुअली, तो हम उसको कैसे इन्हांस करें, उस पर कैसे हम चीज़ें छोटे छोटे डिफरेंसेस लाएँ, हम उसी पर बात करते रहते हैं पूरे दिन। और इस बात करने में और वहाँ पर जाके जब हम करना शुरू करेंगे उसमें जो अभी से एक्साइटमेंट है ना, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। सो फॉर मी लाइफ इज़ लाइक दैट। हाय, दिल में चोट लगा, हम फ्लैट देख के गए अभी, द लेडी वॉज सो हैप्पी। बात पता है क्या, फ्लैट की बात नहीं होती, आप उसको कैसे रखते हो वो उस पर बात होती है। शी वॉज लाइक दिस, सब कुछ इतना साफ साफ, क्रेडिट गोज टू अस एनीवेज। हाँ वो थोड़ा आगे तक गई है, अब क्या बोलो,
थोड़ा आगे तक चलो। हाँ पूछूंगी तुम्हें, नहीं वो बड़ा काम हो जाएगा, यहाँ तक जाओ। हर इंसान को हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ना, हर चीज में अगर मैं एकदम परफेक्ट होती तो फिर बात ही क्या थी, है ना। सफाई के मामले में है भाई थोड़ा, अब वो थोड़ा अंदर रूम तक चली गई तो मुझे पूछना तो जरूरी है ना। हाँ क्योंकि मैंने दूसरा एक ऑनलाइन में रजिस्टर किया था इसलिए, वो मुझे नहीं पता। दुख दुख पानी का पूछ रहा था भाई, पानी तो इतना डिसगस्टिंग है तो मैं बोल दी बहुत ही खराब है पानी, बट अदरवाइज। अश्विन मछली है, चलो जल्दी चल। हाँ मछली है नीचे, जल्दी ले आओ प्लीज, नहाने से पहले ही ले आओ। ये ग्रोसरी का यार ये पंगा हो गया है, अब सब जाके नीचे लाओ, ऐसा लगता है ग्रोसरी मंगाना छोड़ दे। ही इज गिविंग यू द रीजन व्हाई इज लिविंग दिस प्लेस, बट ये यार सच में कब हमेशा अच्छा नहीं लगता, बट एज ए होल अब देखो तो हाँ थोड़ा जाके लेके आ रहे हैं एटलीस्ट। हाँ एटलीस्ट बाजार तो नहीं जा रहे हैं ना। हाँ टेल मी दैट, बाजार तो नहीं जाना पड़ रहा, नीचे से बिसलाना पड़ रहा है, थोड़ा इरिटेटिंग है हमेशा, तो यार हमेशा ये काम रहता है, मीटिंग रहती है, ये रहता है वो रहता है, तो आपको व्हाई आर यू वेयरिंग बेल्ट एंड स्टफ एंड लाइक दैट। मेरे नियम अब झगड़ा होने वाला है, मैं रखती हूँ फोन, मैं झगड़ा करूंगी जोर से अच्छे से और फिर मैं आगे बात करूंगी। एक काम करते मैं इधर रहती हूँ, यू गो टू योर प्लेस, है ना। मैं भी चला जा रहा हूँ। हाँ जा प्लीज जाओ जाओ, मैं और शांति से मैं घर पे आराम से रह सकती हूँ, है ना। देखा मैंने फोन आता था रो रो के रात को, 10 दिन के लिए गया था तो रो रो के रात को फोन आता था। सब झूठे बातें ना जब, बट दो दो दिन में ना मैं कैमरा ऑन करके ऐसा लड़ाइयां लड़ूंगी, लिटरली मैं प्रूफ दूंगी कि हम कितना लड़ाई करते हैं। लोगों को लगता है बहुत शांत है, बहुत ये है, वो बस लोगों को लगता है, वो सिर्फ लगता है। रियली मैं किसके साथ घर कर रही हूँ वो मुझे ही पता है, वो लोगों को पता है कि मैं किसके साथ घर कर रहा हूँ। तो सामान टोकरी दे दू, टोकरी में लेके आना सामान, टोकरी दे देती हूँ। नहीं मैं दे ही देती हूँ ना टोकरी, यू विल फील लो। लगता है टाइम पास करने वाली, मैं नहीं जा रहा नीचे। अरे नीचे बैग उधर ही है यार। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो आदमी जा रहा है, आदमी आ रहा है भाई। इसी में ना मजा है भाई, क्या कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या छत से कूद जाए या गाड़ी लेके कैब में निकल जाए। इतना सामान, मैंने तो इतना सामान नहीं दिया था। कौन से किसान बोले था भा, 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 भा। इतने सारी शादियां हमने मिस किया घर के, आज भी एक शादी है जो हम जाने वाले थे, जहाँ पर हमारा टिकट कैंसिल हो गया, वो छोड़ दीजिए, लेकिन फ़ोटोज़ देख के मन करता है यार थोड़ा तो मज़े करें, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठ के कपड़े धो रहे हैं, फिर खाना बना रहे हैं, फूल गोभी में खुश हो रहे हैं। एनीवेज क्या कर सकते हैं, जब जैसा मैंने बस फिश फ्राई और सम राइस बनाया है, हम मछली के तेल के साथ एकदम बोले ना, आज मैं सुबह से एकदम मूड में नहीं हूँ ज़्यादा कुकिंग के, रात को थोड़ा सा कुछ अच्छा बना लूँगी। इतने ज़ोर से गाना लगा है। एनीवेज चलिए बाय बाय अभी के लिए, खा लेते हैं फिर मिलते हैं। Sorry.
आधे घंटे सामने गैस के सामने रुकने से खांसी हो जा रहा है। ये अतिथि सत्कार का क्या है मतलब? अतिथि सत्कार का क्या मतलब है? नहीं मुझे नहीं खिला खाना, मैं खुद खा लूंगी। नाटक मतलब पिछले 2 घंटे से मैं साइलेंट थी, उस साइलेंट रहने पे मुझे ये मिलता है। साइलेंट रहने पे ऐसा होता है, तो मैं सोच रही हूँ अभी हर 4 घंटे पे मैं ऐसे 2 घंटे साइलेंस में जाऊँगी तो मुझे ऐसा मिलेगा कुछ। क्या बोलते हैं आप लोग? साइलेंस का मजा मत पूछिए। हमारे पास हर दिन आजकल 10 वजह होता है साइलेंस रहने का, तो 10 वजह में से आज 1 वजह फिर से था। ठीक है, अभी मैं भी बोर हो गई हूँ मुंह बंद रख के। मेरे से भी नहीं मुंह बंद रखा जाता ज्यादा देर। सॉल्ट परफेक्ट था, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन मेरा पेट भर गया। कम ये कम था वो है। I'm updating some cast iron products which are back in stock at shreyas.co.in। आप description box में जा सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी cast iron products की ज़रूरत है, so you can see the difference of pricing in like in terms of the all the major जो cast iron बेचते हैं brands and my pricing, you will see a lot of difference, so you can just go and check the link below। चिकन करी ये एकदम सूखेगा अच्छे से, और ये साइड हो गया तो यहाँ मैंने साफ करके रोटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सच बोलूँ तो 11 बज रहे हैं, अभी 11 बजने वाले हैं। एक तो वो कटोरी भर मटर खा के मेरा पेट में अजीब अजीब हो रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या, और मेरे को खाने का भी मन नहीं हो रहा था। एंड ही ऑल्सो हैड गुड अमाउंट, सो आई डोंट नो इफ ही इज हंग्री, बट मैंने एकदम आराम से आज खाना खा लिया। हाँ अच्छा हंग्री, इट्स ओके। मैं रोटी बना रही हूँ, चिकन सूखने तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट मैं आज इतना लेट की क्योंकि मुझे अपने वेबसाइट 28 ईयर ओल्ड मैकेनिक इंजीनियर रॉब्स बैंक। हाँ लाइक डेब्ट रिटर्न 28 ईयर ओल्ड मैकेनिक इंजीनियर रॉब्स बैंक लैंड। लोग पीछे खड़े कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक चाकू लेके आया वो। चलो बंद कर, चले जाऊंगा। आप देख सकते हैं इधर, मतलब क्या कर सकते हैं यार, पता नहीं किस इंसान का क्या सिचुएशन आता है जो ऐसा लोग करते हैं। नई नई चीजें सीखने का अनुभव। मैं सोच रही हूँ मैं चिकन में और चिकन के साइड में रोटी कैसे फुलाऊ, तो मैं सोची कि आज कपड़े से किया जाए, और सच में मजा आ गया। लेकिन ये तरीका अच्छा है पता है, डायरेक्ट हीट से। वाह एंड चिकन इज डन, जैसे मैंने बोला था सूखा दिया मैंने अच्छे से इसको, एंड आई सर्व्ड हिम बिकॉज मुझे एकदम मन नहीं करा अभी खाने का। जब मन करेगा, भूख लगेगी, फील आएगा खाने का, तब खाऊंगी। इट्स 11:20, 12 बज गए। 22nd का ब्लॉग एक्सपोर्ट कर रही हूँ। पता नहीं मुझे भूख ही नहीं लग रही आज, पता नहीं ऐसा क्या था उस मटर में। आई एम गोइंग टू मिस दिस होम यार। जब जब वीडियो में ऐसा देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि मैं वीडियो ऑन करके सारे ब्लॉग्स देखना चालू कर दूंगी। आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम गोइंग टू मिस दिस होम फॉर श्योर। चलिए लास्ट खा लेती हूँ। 12:22 तो हो ही चुका है, कुछ अच्छा सा लगाओ ना यार, मेरे को आधा घंटा कुछ एक देखना है रिलैक्स होकर, माथा थोड़ा रिलैक्स करना है माथा। सैटरडे संडे मंडे हर दिन मेरा एक ही जैसा जा रहा है, काम काम काम, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है।